साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं SLB हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा का अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की दो छोटी छोटी कविताएँ यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कवि परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 और मृत्यु 1937। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय यानी अपने आप अध्ययन द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड पंडित थे। प्रसाद जी का स्वभाव कैसा? प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे पर निंदा, दूसरों की निंदा और अपनी बड़ाई दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और मूल रूप से प्रसाद जी है वो कवि थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। ध्यान रहे, यह प्रश्न बन सकता है, प्रसाद का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का साहित्य है कैसे? संपूर्ण साहित्य में और विशेषकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं में, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुवस्वामिनी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। इनको हम देखने पर हमें एक बात स्पष्ट साफ दिखती है कि इसमें राष्ट्रीयता का स्वर है और ये सभी रचनाएं इतिहास से जुड़ी हुई है, ऐतिहासिक है। इसके अलावा कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके तीन उपन्यास हैं जिनमें इरावती है वो अपूर्ण है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनके निबंध संग्रह हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं, जिसमें कामायनी को भला कौन नहीं जानता, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। अब पाठ्यपुस्तक में जो कविताएं हैं उनके बारे में, पाठ्यपुस्तक में दो कविताएं हैं, एक है देवसेना का गीत और दूसरी है कार्नेलिया का गीत। तो देवसेना जो पहली कविता है, देवसेना का गीत, ये प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है। तो यहाँ पर हम जब भी प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में जरूर लिखेंगे कि देवसेना का गीत अंश से लिया हुआ, यह अंश या ये पद चंद्रगुप्त, एक कार्नेलिया है वो चंद्रगुप्त और देवसेना है वो स्कंदगुप्त। तो हम ये जरूर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से यह अंश लिया गया है, जो पाठ्यपुस्तक में देवसेना का गीत शीर्षक से संकलित है। तो इसमें होता क्या है, देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। अब देवसेना कौन है? हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त यानी संपूर्ण भारतवर्ष संकट में है। बंधु वर्मा सहित उसका पूरा परिवार है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है और केवल बचती कौन है? देवसेना। अब देवसेना बची हुई है जो अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए हैं। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, वह स्कंदगुप्त को चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त किसी और को चाहता था। स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। देखिए यहाँ पे विडंबना देखिए, पहले देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती है लेकिन स्कंदगुप्त मना कर देता है, फिर स्कंदगुप्त भी जीवन के अंतिम मोड़ में चाहता है लेकिन देवसेना मना कर देती है। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है, मतलब
स्वयं का रूप है एक महादेवी के समान उन्होंने बना लिया। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती, स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन वह स्वीकार नहीं करती, तो स्कंदगुप्त भी आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता है। इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा, अपने मन को वह समझा रही है कि अब तड़पने से कुछ नहीं होगा, अब सो जा, जो हुआ जो हो गया, जो खोना था वो खो दिया। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए लौटा दिया था, किसको? स्कंदगुप्त को, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह बैठे बैठे गीत गाती है और क्या कहती है, आहा वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की वेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भर्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आँखों से आंसू की धारा बह रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है। वह स्वयं को उससे बचाने की कोशिश कर रही है, फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के रथ पर सवार है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान यानी तेज दुर्बलताओं और हारने की निश्चयता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को व्यक्त करती है। अब चलिए चलते हैं कविता की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम एक एक अंतरे का अनुवाद करेंगे, एक एक अंतरे की व्याख्या समझेंगे। तो इसमें पहला अंतरा है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रसंग, तो उसमें बात ये आएगी कि प्रस्तुत गीतांश, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा के कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत शीर्षक से लिया गया है, जो उनके नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर जब स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव देवसेना ठुकरा देती है, तब वह अपने जीवन के बीते हुए पलों को याद करती हुई कह रही है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में केवल और केवल क्या मिली? वेदना मिली, कष्ट मिला। कष्ट के साथ मैं अपने इस जीवन से विदा ले रही हूँ, वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने भ्रमवश मतलब मैंने जीवन में भ्रमवश मन में ये सोचा कि मुझे स्कंदगुप्त को प्राप्त करना है, स्कंदगुप्त के साथ रहना है, स्कंदगुप्त के साथ जीवन जीना है, और मैंने कई प्रकार के सपने संजोए, लेकिन वो मेरा भ्रम था। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मेरी जीवन में संचित जितनी भी अभिलाषाएं थी, मधुकरियों का मतलब यहाँ पे अभिलाषाएं, मेरे जितने भी सपने थे, मेरी जितनी भी लालसाएं थी, जो मैंने जीवन में संचित की थी, उनकी अब मैंने भीख लुटा दी है, उनको मैंने अब लुटा दिया है जीवन के इस अंतिम क्षण में। कहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश यानी स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रमवश मैंने जीवन में जितनी भी अभिलाषाएँ, जितनी भी इच्छाएँ, जितनी भी कामनाएँ अर्जित की थी, अब उनकी मैंने भीख लुटा दी। छल छल थे संध्या के श्रम कर्ण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अंगड़ाई। नीरवता का अर्थ है यहाँ पे खामोशी, श्रम कर्ण का अर्थ है मेहनत के कारण आई हुई पसीने की बूंदे। तो यहाँ पे देवसेना कहती है कि मेरे इस जीवन दुख को देखकर, मेरे जीवन के इस अंतिम विकट समय को देखकर, सल सल थे संध्या के श्रम कण, संध्या के श्रम कण, संध्या की पसीने की बूंदे। तो यहाँ पर एक तरीके से मानवीकरण है
कि मेरे इस दुख को देखकर, मेरी इन जीवन परिस्थितियों को देखकर संध्या रूपी सुंदरी है उसके शरीर पर मेहनत के कारण पसीने की जो बूंदें होती है उसके समान कण दिख रहे हैं, और उसको देखकर लग रहा है कि मेरे दुख पर संध्या भी आंसू आ रही है। पंक्ति देखिए, आंसू थे संध्या के श्रम कण, आंसू सल सल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिसरण। पल पल वो श्रम कण ऐसे गिर रहे थे, लग रहा है मेरे दुख के ऊपर संध्या भी आंसू बहा रही है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अंगड़ाई, और मेरी ये जो जीवन यात्रा है इसमें केवल और केवल क्या है, खामोशी है, केवल और केवल अकेलापन ही मेरा साथी है। या नीरवता अंगड़ाई का मतलब है मेरे जीवन का और कोई साथी नहीं, मेरे जीवन में केवल और केवल अकेलापन ही मेरा साथी। इसके बाद तीसरा अंतरा, तीसरे अंतरे में कवि क्या कह रहा है, तीसरे अंतरे में कवि कह रहा है, शर्मित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में, किसने यह विहाग की तान उठाई। कवि यहाँ पर कह रहा है कि देवसेना कहती है कि शर्मित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, मेरा जीवन है वो थका हुआ है, मेरे सपने हैं वो थके हुए हैं। जिस प्रकार एक थका हुआ राहगीर रास्ते में सोते सोते चलते चलते किसी पेड़ के नीचे सो जाए और उसे कोई विहाग यानी रात में गाया जाने वाला कोई राग सुनाए तो उसे ठीक नहीं लगेगा, उसी प्रकार वह कह रही है कि इस मेरी जीवन यात्रा से मैं थक गई हूँ और मैं गहन यानी घने जंगल में, जीवन रूपी इस घने जंगल में किसी पेड़ की छाया में सोई हुई हूँ और उसके बीच में आकर यह विहाग रूपी राग है, विहाग की तान है जिसने भी छेड़ी है, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कहने का आशय यह है कि स्कंद गुप्त का ये जो प्रेम निवेदन है वो जीवन के इस क्षण में, जीवन के इस मोड़ पर देवसेना को अच्छा नहीं लग रहा है। वह कह रही है, शर्मित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में, श्रुति का अर्थ है नींद, पथिक का अर्थ है राहगीर, यानी जिस प्रकार राहगीर सोया हुआ होता है और उसे कोई विहाग की तान सुनाए तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार वो कह रही है मैं मेरे जीवन रूपी इस जंगल में, और मेरे जीवन रूपी इस जंगल में मेरे सपने रूपी जो पेड़ हैं उनकी छाया के अंदर अपने जीवन के अंतिम क्षण है बिता रही हूँ, और इसमें आके कोई प्रेम निवेदन करे तो मुझे वो ठीक उस विहाग के समान यानी रात्रि के समय गाया जाने वाला जो वियोग गीत है उसके समान ही लगेगा। अर्थात स्कंद गुप्त का जो प्रेम निवेदन है वह देवसेना को अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद अंतिम में वह अंतरे में कहती है, लगी सतृष्ण दीट थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। यहाँ देवसेना कहती है कि जब से मैंने स्कंद गुप्त का प्रेम निवेदन शुरुआत में ठुकराया था, उसके बाद में मेरे सपनों को पूरे करने के लिए देश सेवा का मैंने व्रत लिया था, उसको पूरा करने के लिए मेरे रास्ते पर चलती गई, लेकिन सभी की आंखें तृष्णा के साथ मुझे देखती थी, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को उनसे बचाए फिरती थी, लेकिन फिर भी मेरी आशा है वो बावली हो गई, क्योंकि स्कंद गुप्त का प्रेम निवेदन ठुकरा कर मैंने जीवन की संपूर्ण कमाई है वो खो दी। आगे के अंतरे में, चढ़कर मेरे जीवन पथ पर, परलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। यहाँ देवसेना कहती है, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि देवसेना अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि मेरे जीवन में इतने संकट है मानो प्रलय आपदा विपत्ति स्वयं मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर मेरे बराबर की होड़ लगाए हुए हैं। जीवन रथ यानी जीवन रूपी रथ रूपक अलंकार है एक तरीके से, यहाँ तो मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर स्वयं प्रलय मुझसे होड़ लगा रहा है और प्रलय चल रहा अपने पथ पर, यानी विपत्तियों का, दुखों का, परिस्थितियों का,
चोली और दामन का मेरा साथ रहा है, वो हर दम मेरे साथ रही है, लेकिन फिर भी मैं उनसे कमज़ोर हुई मैं निज दुर्बल पद बन, उनसे कमज़ोर होते हुए भी उनसे थकी हारी होने के बावजूद भी हार कर भी मैंने उस परलय से होड़ लगाई, उन विपरीत परिस्थितियों से होड़ लगाई। तो हारी और होड़ लगाई अनुप्रास अलंकार भी है और विरोधाभास अलंकार भी है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है हारी होड़ में, और हारी होड़ में यहाँ पे दोनों अलंकार है। तो यहाँ पर वह वही कह रही है कि मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आई, परलय स्वयं मेरे जीवन रथ पर चढ़कर मुझको दबाने की चेष्टा कर रहा है, मुझे हराने की चेष्टा कर रहा है, मुझे दुखित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कमज़ोर पैरों के द्वारा भी यानी हिम्मत टूटने के बाद भी हारने के बाद भी मैंने उस परलय से होड़ लगाई है। अब अंत में वो क्या कह रही है, स्कंद गुप्त से कह रही है, लौटा लो ये अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभले की ये मुझसे इससे मन की लाज। देवसेना स्कंद गुप्त से कहती है कि हे विश्व, हे स्कंद गुप्त, तुम्हारी ये थाती यानी धरोवर, ये तुम्हारा प्रेम निवेदन है, ये तुम अपने पास रख लो, अपना वापस लौटा लो। लौटा लो ये अपनी थाती, ये तुम्हारी थाती, ये धरोवर, ये मैं नहीं संभाल पाऊँगी, मुझमें यह हिम्मत नहीं है, मेरी करुणा भी अब तो हाहाकार करने लगी है। विश्व, हे स्कंद गुप्त, अब मुझसे यह नहीं संभलेगी, तुम्हारा ये प्रेम निवेदन है, ये मैं नहीं संभाल पाऊँगी, क्योंकि इससे मेरे मन की लाज गंवा दी, यानी इसके द्वारा तो मेरे मन की लाज ही चली गई, इसलिए तुम्हारा ये प्रेम निवेदन अब मैं स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि यह संभालने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था पाठ, और इसमें यदि आपको प्रसंग लिखना पड़े तो कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको बता दूं। इसमें सबसे पहली बात है कि यह संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की कविता है। इसमें दूसरी बात की बात करें आप तो दूसरी बात यह है कि इसमें वियोग श्रृंगार रस है, वियोग, ठीक है, और बात करें तो करुण रस भी है। करुण रस के बाद बात करें तो इसमें से एक तरीके से अपने बिंब कहते हैं ना, तो बिंब है वो स्मरण के आधार पर है, तो स्मरण या जिसे आप कह सकते हैं कि ये छायावादी का भी रचना है, और उसके बाद आप इसमें यह कह सकते हो कि छायावादी कवि होने के कारण इसका व्यंग्यार्थ लिया जाता है, एक तरीके से इसका व्यंग्यार्थ यानी इसका एक अन्य भावार्थ भी लिया जाता है, और साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।